सबसे पहले नमस्कार आप सब लोगों को। फिल्म वरदराज गोविंदम ये मेरे लिए बहुत खास फिल्म है। खास क्यों है? क्योंकि वरदराज गोविंदम का जो कैरेक्टर है वो भगवत गीता के इर्द गिर्द घूमता रहता है। भगवत गीता के जो सार हैं उसके सराउंडिंग में ये पूरा है। जैसे एक डायलॉग है इसके अंदर, 99 गलतियां माफ़ करने वाला श्री कृष्ण नहीं हूँ, उसका डाई यार फैन हूँ और मैं पहली गलती पे सजा देता हूँ। सो ये जो वरदराज है नहीं, क्योंकि वरदराज बेसिकली एक लॉयर है और उसको न्यायपालिका पे भी विश्वास है, लेकिन वो कुछ न्याय अपने हाथ से चाहता है कि मैं इसको करूं। ही डोंट वॉन्ट कि लाइक लोग आए कोर्ट में जाएं, बेल हो जाएं, फिर से वो सेम क्राइम उनका रहे। तो इसका फंडा ये है कि आपने एक बार गलती किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आपने गलती किया तो आपको सज़ा मिलेगा। और लॉ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गीता तो हमारा एक हमारा अध्याय है, हमारा जीवन है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिल्म के अंदर वो है लॉ फॉर ऑल, एक कानून सबके लिए। आज हर हिंदू को सब ये बोलते हैं गीता पढ़ो, मुस्लिम को बोलते हैं कुरान पढ़ो, क्रिश्चियन को बोलते हैं आप बाइबल पढ़ो, लेकिन ये सब पढ़ो, ये सब अच्छा है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपना लॉ पढ़ो। आपको आपका कानून मालूम होना चाहिए, आपका लॉ मालूम होना चाहिए। अगर आपको अपना लॉ मालूम होगा तो आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन लोग धर्म के नाम पे बढ़ चुके हैं, लॉ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गीता कुरान बाइबल ये सब हो चुका है। तो मेरा नहीं मतलब समुद्र सर का एक एफर्ट है इस फिल्म के थ्रू। इसको पैन इंडिया रिलीज़ करने का भी एक रीज़न यही है, क्योंकि आप हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, असमीज हो, पंजाबी हो, कानून हिंदुस्तान का एक ही है, संविधान एक ही है। बेसिकली फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सर फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल मूवी, द ट्रेलर इज अमेजिंग। एंड जहाँ तक मेरे रोल का सवाल है, इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस, तो उसको ज़्यादा आउट नहीं किया है अभी तक, इट्स मोर ऑफ अ सीक्रेट, वो धमाका एक साथ फोड़ेंगे फिल्म में। बट समुद्र सर इज़ वन ऑफ द हम्बलेस्ट डायरेक्टर यू एवर वॉन्ट टू वर्क विद। आई स्टिल रिमेंबर जब हम फर्स्ट टाइम शूट कर रहे थे एंड जब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था, ही वॉज देयर टू मेक मी अंडरस्टैंड कि यू नो जीनल ऐसे नहीं ऐसे करो, जीनल ऐसे करो। सो या बट ही इज़ वेरी सिंपल टू वर्क विद एंड वेरी वेरी डाउन टू इट। सो थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी दिस पार्ट ऑफ दिस फिल्म। थैंक यू सर। मतलब भगवद्गीता, भगवद्गीता मतलब भारत देश। ये पॉइंट में भगवद्गीता एवरी पर्सन को रीच हो जाना, भगवद्गीता नॉट ए आर्डनरी, एवरी पर्सन को लाइफ एंड एवरी स्टेट को, एवरी पर्सन को ये भगवद्गीता में बहुत कृष्ण भगवान बोलना, एवरी पॉइंट बहुत बहुत अच्छी पॉइंट है। ये पॉइंट हीरो का कैरेक्टर कृष्ण भगवान का डाई हार्ड फैन है ये फिल्म में, वो भक्त भक्त है, प्रेजेंट फैन बोल रहे हैं मैट, वो फैन दोनों एक ही है। इसके को ला का जरूरत नहीं है, इसमें पूरा ला है, भगवत गीता में ला है, इसीलिए भगवद गीता मतलब अपना पूरा भारत देश का है, नॉट ओनली वन स्टेट, बिकॉज वो उसमें अपने सब लोग जाएगा तो सब लोग वो भगवद्गीता पढ़ेगा तो अपने ये पुलिस ये पूरा उसको एक डरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने को अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी जीने के लिए अपने को थोड़ा मकसद मिलेगा लाइक दैट। ये पूरा चीज़ है इसमें सर ने दिखा दे रहे, दिस इज़ वेरी गुड मूवी। बहुत सारे विलन हैं इनकी फिल्म में, बट ये हमारा सौभाग्य है कि इनको हमारे अंदर कुछ
नज़र आया कि भाई टैलेंट या पर्सनालिटी को लेके सारी चीज़ें, तो इन्होंने हमें मेन विलन इंट्रोड्यूस किया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सुमुद्रा जी का, और हमने भी तहे दिल से काम किया है और मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। वहाँ पे जो काम करते हैं मेहनती लोग जो हैं उनके लिए वो स्वर्ग है, और जो लेजी हैं कामचोर हैं उनके लिए वहाँ पे जगह नहीं है।